Hi guys, welcome to my channel that is We Were What. और आज यहाँ मैं एक सनस्क्रीन के रिव्यू के लिए आई हूँ जो कि है एमवे की. ये मैंने रिसेंटली लॉकडाउन में खरीदी थी बिकॉज यूजुअली आई यूज बॉडी शॉप सनस्क्रीन पर वो मुझे नहीं मिल पाई लॉकडाउन में. दैट इज़ वाई मुझे लगा कि मैं एक किसी सनस्क्रीन को एक नया ट्राई देती हूँ. मे बी शायद मुझे बॉडी शॉप से हटकर वो भी अच्छी लगने लगे. तो मैंने वो ऑर्डर करा एमवे से. एंड मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी. वो एमवे कंपनी की है. ये दैट इज सन एटीट्यूड सनस्क्रीन. यू कैन सी इट इज एटीट्यूड सनस्क्रीन. इट इज ऑफ SPF 30 PA++++. It is also dermatologically tested and इसकी packaging के बारे में बात कर लेते हैं. इसकी packaging बहुत attractive और बहुत अच्छी है. That is of yellow tube and orange cap. It is like this. There is a tick sound when it closes. So, इस पैकेजिंग में आपको 100 ग्राम मिलता है फॉर प्राइस 449. एंड मुझे इस पर कोई डिस्काउंट या कुछ भी नहीं मिला था. आई गॉट इट फॉर 449 ओनली. सो इसके पीछे जो लिखा हुआ है वो मैं आपको फटाफट से रीड करके बता देती हूँ. सो इट इज रिटन दैट डू यू नो SPF 30 शील्ड्स अप टू 97% ऑफ UVB रेज दैट कॉजेज सनबर्न्स. PA++ shields UVA rays which causes premature skin aging. Then wrinkles and age spots also. It is paraben free and provides sun protection by offering shield against harmful effects of both UVA and UVB rays of the sun. Alright, use of direction. Use enough sunscreen to generously coat all exposed skin that will not be covered by clothing. Apply on dry skin 15 to 20 minutes prior to sun exposure. For best result, reapply frequently every 3 to 4 hours. So, अब मैं इसका इसमें और कुछ important नहीं लिखा हुआ है पीछे. इसका मेरा क्या review, मेरा क्या feedback रहा, मेरा क्या experience रहा, वो अब हम share करते हैं. So फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि मैं आपको वो सब कुछ बताऊं, उससे पहले मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखा देती हूं तो आपको समझने में ज़्यादा इजी रहेगा. हम बहुत थोड़ा सा अमाउंट लेंगे. इसकी आप पहले देखिए कंसिस्टेंसी, बहुत थिक कंसिस्टेंसी है इसकी. इट डजंट फ्लो एज यू कैन सी. ऑलराइट, अब मैं आपको इसको मर्ज करके दिखाती हूँ स्किन में और उसके बाद मैं बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा. मैंने थोड़ी सी ज्यादा ले ली है. इसको मर्ज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. ये इजीली मर्ज नहीं होती है स्किन में. इट्स ऑलमोस्ट डन. You can see. So, इसकी फ्रेग्रेंस की बात करते हैं. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है. सो इसकी फ्रेग्रेंस के बाद अब मैं इसका एक्सपीरियंस बताती हूँ जो मेरे साथ रहा है. सो आप इसमें देख सकते होंगे आपको एक व्हाइटिश टोन, अलग सा व्हाइटिश टिंट दिख रहा होगा स्किन में. You can see. I don't know if you are able to see or not. But मुझे सबसे पहली बात इसकी यही बुरी लगी कि जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो एक whitish tint मेरे स्किन पर रह जाता है. That I doesn't like at all because I am a dusky complexion and I am proud of it. No offense.
मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे अपना कॉम्प्लेक्शन, बट मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि मैं कुछ भी अप्लाई करूँ तो वो मेरी स्किन पर अलग से वाइटिश टोन या वाइटिश टिंट छोड़े. सो इसलिए सबसे पहली बात मुझे ये बहुत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये एक वाइटिश टिंट छोड़ती है और इट शोज़ कि आपने कुछ फेस पे लगा रखा है. सेकेंड, ये बहुत ऑयली है. इट इज़ नॉट फॉर कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन, इट इज़ जस्ट फॉर ड्राई स्किन. जो ड्राई स्किन वाले हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं इफ़ दे आर ओके विद द टिंट. और जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी हैं लाइक मी, मेरा टी जोन बहुत ऑयली रहता है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती, बिकॉज एक या दो घंटे होते हैं इसको अप्लाई करे हुए और ये ऑयल सिक्रीट करना शुरू कर देती है और ये मेरे फेस को बहुत ग्रीजी बना देती है. थर्ड, इसकी कंसिस्टेंसी मुझे नहीं अच्छी लगी, बिकॉज ये बहुत थिक कंसिस्टेंसी है. अगर हम इसको मर्ज करें अपने स्किन में, इसको एडिट्यूड सनस्क्रीन, इसको हम मर्ज करें अपने स्किन में, ईजिली मर्ज नहीं होएगा, ईजिली मर्ज बिल्कुल नहीं होएगा. यू हैव टू जस्ट डू दिस दिस दिस, तब जाके मर्ज होएगा. और एट द एंड जब ये मर्ज हो भी जाएगा तो वो वाइटिश टिंट की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि ये मर्ज नहीं हुआ है, तो यू विल गो लाइक दिस. बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये जल्दी से स्किन के साथ मर्ज नहीं होता है. थर्ड ये था. सो मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी एमवे के प्रोडक्ट से, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम एमवे की सनस्क्रीन बाय करी थी, तो मुझे लग रहा था बहुत अच्छा होगा. एंड लेटर ऑन मैंने पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नहीं देखे थे, बट मैंने नेट पे सर्च करा कि कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो सनस्क्रीन में होते हैं जो हमें नहीं अप्लाई करने चाहिए. उसमें से इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे, तो हमें ये चीज़ पे ध्यान रखनी चाहिए. तो आपको इसकी फुलनेस से ही पता लग रहा होगा कि ये मैंने कितना यूज़ करा है. मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बार यूज़ करा है, उसके बाद मैंने इसको यूज़ नहीं करा है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड कि मुझे वो वाइट टिंट बिल्कुल नहीं पसंद. और इसका SPF भी बस 30 है, तो अगर बहुत ज़्यादा सनी डे है जैसे कि समर्स आ रही हैं और इसका SPF 30 है तो ये उतना काम नहीं करेगा. यू नीड SPF मोर देन 30. आई यूजली यूज़ SPF 50 ऑफ बॉडी शॉप, तो ये मेरे लिए उस टाइम तो काम नहीं करेगा. और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फॉर बेस्ट रिजल्ट री अप्लाई फ्रीक्वेंटली एवरी 3 to 4 hours. यू कैन सी हियर इफ यू कैन. तो मुझे ये नहीं पसंद है कि मैं बार बार, मैं अगर कहीं बाहर हूँ तो मैं हर 3 to 4 hours में उसको री अप्लाई करूँ और वो बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाता है. सो मेरे लिए थम्स डाउन, आई डोंट लाइक इट एट ऑल. मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई. आई विल नॉट रिकमेंड इट फॉर कॉम्बिनेशन स्किन एंड ऑयली स्किन. ये सिर्फ ड्राई स्किन के लिए अच्छी है, एंड वो भी तब जब उनको वाइट टिंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स इट फॉर डे. सो यही था आज के लिए. सो थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, लाइक, कॉमेंट if I'm doing something wrong or if you have any other view of it, तो आप share कर सकते हैं मेरे से. And please subscribe to my channel if you haven't. Okay, bye!